हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास. माई सेल्फ नेहा वर्मा. तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास. आज हम इंग्लिश में चैप्टर 5 के वोकैबलरी करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे. तो पहला है रस्ट. रस्ट मीन्स होता है हरीट, जल्दबाजी को, जिसे जल्दबाजी भी कहते हैं हम. ब्रीज. ब्रीज मीन्स होता है एयर. थर्ड है लाइटनिंग. लाइटनिंग मीन्स होता है सडन ब्राइट लाइट डेट अपियर्स इन द स्काई. देन फोर्थ है रेनबो. रेनबो होता है एन आर्क ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई, ऑफन सीन आफ्टर रेन. तो ये 4 वर्ड मीनिंग ही है जो कि आपको लर्न राइट करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, स्पेलिंग वगैरह सारी. तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. हिंदी में आज हम पार्ट 6 के क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर करेंगे. तो पहला है, धनपत कौन था, वह कहाँ पर बैठा हुआ था. तो इसका आंसर है, धनपत किसान था, वह पीपल की छांव में बैठा था. घ है, धनपत को कैसे पता चला कि खीर स्वादिष्ट बनी है. तो इसका उत्तर है, धनपत को खीर की खुशबू से पता चला कि खीर स्वादिष्ट बनी है. ग है, गणपत लाल धनपत से किस बात के रुपए मांग रहा था. तो इसका उत्तर है, गणपत लाल धनपत से खीर की खुशबू लेने के पैसे मांग रहा था. घ है, धनपत ने रुपए कहाँ रख दिए. तो इसका आंसर है, धनपत ने रुपए आईने के सामने रख दिए. तो ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको लर्न और राइट करना है. राइट आप करोगे अपनी नोटबुक में, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप इसको. ओके, मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 देखेंगे. क्वेश्चन 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे आप 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप जैसे 100 में 20 है, तो आप इसको क्या करोगे, 20 जैसे के जैसे लिख दोगे. और 6 बन जाए, क्या होता है, 6 होता है, तो आप 6 का 6 लिख दोगे. तो बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो आप 20 ऐसे ही लिख दोगे और 35 को 35 लिख दोगे, क्योंकि 35 बन जाए क्या होता है, 35 होता है. अब इसमें 9 वाला, जैसे जी वाला क्वेश्चन देखो, 9 है ना, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 300. तो इसमें भी आप ऐसे करोगे कि 20 की 20 आप ऐसे उतार दोगे और 93 जो क्या होता है, 27 होता है. तो आप 27 लिख के ये कंप्लीट हो जाएगा. तो हमारा क्या आंसर आया है, 2700. ये क्वेश्चन है जी वाला. तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे. देन फोर्थ वाला देखते हैं. तो फोर्थ में है राइट द प्रोडक्ट. तो इसमें भी यही चीज़ है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 है. तो 3 को आप 1000 है, तो 1000 में 30 होते, 30 आप ऐसे उतार दोगे और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो टोटल क्या बन जाएगा, 3000 बन जाएगा. तो ये सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व होने हैं. तो आई होप आप लोग कर लोगे, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. अगर इसमें कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो थ्रू कॉल या व्हाट्सएप. ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. आप EVS में चैप्टर 6 के 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इन्हें लर्न और राइट करोगे, प्रैक्टिस करोगे अपनी नोटबुक में. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं. और जो भी आपको आज की क्लास में क्वेरी वगैरह है, आप वो पूछ सकते हो. तो बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.